हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं, और इसीलिए एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपका मन छू लेगी। और इसे लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे टॉय स्टार को। तो चलिए, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसमें एक माँ और उसका बेटा रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और जैसे तैसे अपना जीवन गुजारा कर रहे थे, लेकिन उस महिला की एक आंख नहीं थी और उसकी वजह से उसके बेटे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक दिन उसकी माँ स्कूल गई और जैसे ही नमन और उसकी माँ क्लास में आए, सभी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। या गया अपनी काली माँ के साथ। इसकी माँ तो अंधी है, इसको क्या दिखाई देता होगा। काली माँ का काला बेटा। ए कान्या, ए कान्या, ए हे हे। जैसे ही सब हंसने लगे, बेटा बहुत ही ज्यादा खींच गया और अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। और उस दिन नमन ने एक फैसला किया। अब मेरे से और बेइज्जती सहन नहीं होती, अब तो सोच रहा हूँ कि अच्छी स्टडी कर लूँ ताकि शहर में जाके आराम की जिंदगी बिताऊँ। और नमन ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। उसका बस एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी वो अपनी माँ से शहर जाके छुटकारा पा ले। और फिर नमन शहर चला जाता है। पंख लगाते हुए 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जैसा उसने सोचा था वैसे ही वो शहर में सेटल हो गया। नमन की माँ उसके जाने के बाद बहुत बीमार होने लगी। माँ जब भी फोन लगाती, नमन उसे उठाता ही नहीं था। हमेशा ये टाल के बोल देता था, हाँ हेलो, हाँ माँ, अरे माँ अभी काम है, मैं अभी बात आ नहीं सकता, मैं अभी बाद में बात करूंगा। हेलो माँ, हाँ आवाज नहीं आ रही माँ, हेलो हेलो। अरे ये माता श्री कितना जान खा रही हैं। टालते टालते कई दिन बीत गए, अब तो माँ ने आस ही छोड़ दी थी। एक दिन नमन रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था, उसने आवाज लगाई, ए वेटर। हाँ साहब बोलिए। साहब आपको देखा हुआ, आप निर्मला बहन के बेटे हो क्या? हाँ, पर तुमको कैसे पता? ए बचुआ, अब तुम्हारी आंख कैसी है? मेरी आंख को क्या हुआ है? अरे तुमको याद नहीं है का? अरे तुम बचपन में बहुत छोटे थे, लग गई थी तुम्हें आंख में, तुम्हारी आंख निकल के बाहर आ गई। हाँ कुछ कुछ याद तो है। तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम्हारी आंख खराब हो गई होती अब तक। बेचारी निर्मला बहन, तुम्हारी आंख के लिए उसने अपनी आंख की कुर्बानी दे दी। माँ हो तो भैया ऐसी हो, वरना ना हो। जैसे ही नमन ने ये बात सुनी, मानो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो रोने लगा, सोचने लगा उसने कितना बुरा किया है अपनी माँ के साथ। और पहली फुर्सत पाते ही सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे रोशनी देके खुद अंधेरे में रही और मैं तुमसे इतनी नफरत करता रहा। माँ मुझे माफ कर दो। बेटा रोते नहीं है, तू ही तो मेरा लाडला बेटा है, तेरे लिए आंखें तो क्या मैं जान भी दे सकती थी, रो मत बेटा। नमन रोना बंद कर बेटा, आजा आजा मेरे गले लग जा, रो मत। तो दोस्तों, दुनिया में प्यार बहुत मिल जाएगा, लेकिन माँ की ममता से भरे प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तो इस मदर्स डे पर अपनी माँ के साथ कुछ पल जरूर बिताना। अगर कहानी ने आपका थोड़ा भी दिल छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना और टॉय स्टार को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।